दोस्तों, केवाईसी को लेकर आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक बहुत ही बढ़िया सा अपडेट आया था कि जो भी कस्टमर रिकेवाईसी करना चाहते हैं उनके लिए सारी बैंकों को एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करना होगा जिसके मदद से कस्टमर चाहे तो अपने घर में बैठ के ऑनलाइन केवाईसी सबमिट कर सकते हैं या वो ब्रांच विजिट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन कस्टमर के पास अवेलेबल होना चाहिए और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारा बैंक ऐसा है जो ऑलरेडी ऑनलाइन केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है और इनमें से एक है SBI। SBI ने भी इसको ऑनलाइन का KYC प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन KYC सबमिट कर सकते हैं। RBI ने रिस्क के हिसाब से सारे कस्टमर को तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और लो रिस्क कस्टमर। और ये तीनों जो कैटेगरी है इसका जो KYC करने का टेन्योर है वो अलग अलग है। जैसे कि हाई रिस्क के लिए हर 2 साल में एक बार आपको रिकेवाईसी करना है और मीडियम रिस्क के लिए 8 साल में एक बार रिकेवाईसी करना है और लो रिस्क के लिए 10 साल में एक बार रिकेवाईसी करना है। तो अगर आपका अकाउंट बहुत दिन पुराना है तो आपको 20-20 में KYC अपडेट कराना है। हाई रिस्क अगर होता है तो 2 साल में एक बार आपको रिकेवाईसी करना है। और ये जो रिकेवाईसी का प्रोसेस है, इस रिकेवाईसी को प्रोसेस को RBI ने डिजिटलाइज कर लिया, यानी कि आपको रिकेवाईसी करने के लिए ब्रांच में जाने का जरूरत नहीं है। अगर आपका KYC में कुछ चेंजेस नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो SBI ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। SBI का जो सबसे अच्छा बैंकिंग ऐप है वो YONO SBI ऐप है और YONO SBI के अंदर ही आपको एक बहुत ही अच्छा सा मेनू देखने को मिलता है KYC करने के लिए। अगर आप YONO SBI ऐप में लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, लॉगिन करने के बाद जो होम पेज है, होम पेज में ही आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स मिलेगा और इसमें आपको अपडेट KYC का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका KYC का जरूरत है या नहीं। मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है कि मेरा जो KYC है अप टू डेट है और मुझे अभी KYC अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको KYC जरूरत होगा तो यहाँ पे आपको KYC प्रोसेस करने के लिए पूछा जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सबमिट करने के लिए पूछा जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया सा अपडेट है। बहुत लोग बाहर रहते हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे SBI का ब्रांचेस नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास ब्रांच जाने का वक्त नहीं है तो आप घर बैठे बहुत आराम से आपका KYC सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो जिसमें RBI के कुछ इंस्ट्रक्शन आए थे KYC को लेकर, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने इस तरह का वीडियो रेगुलर बेसिस में अपलोड करता हूं जो कि आपको बहुत सारा काम में आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।